एंड स्टडी रूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए यहाँ पे आपको रेलवे की तरफ से एक टेंटेटिव एग्ज़ाम शेड्यूल जारी किया गया है और जारी करने का जो डेट है अगर आप यहाँ पे देख पाएँ तो ये 1 तारीख में आपको जारी किया गया था। यहाँ पे 1/11/2024 में आप देख पा रहे हैं नीचे आपको यहाँ पे जारी किया गया है, लेकिन आज आपका 4 तारीख है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 4 तारीख बना रहा हूँ, मैं कहीं मैं था नहीं इसलिए मैं वीडियो इस पर नहीं बना पाया था, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा लेट ही हुआ लेकिन मैं इस पर वीडियो बना देता हूँ। दूसरी बात, जो लोग भी इसके इस नोटिस के बारे में अब तक उनको जानकारी हो गई है तो बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते तो हमारी वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। अब कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे कमेंट के माध्यम से आप पूछ या बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसका देख लेते हैं कि आपके टेंटेटिव एग्ज़ाम शेड्यूल जितने भी आपके भर्ती हैं उस भर्ती का टेंटेटिव एग्ज़ाम शेड्यूल क्या होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यहाँ पे टेंटेटिव एग्जाम शेड्यूल फॉर CEN 01/2024 और ये इसमें आपका LP आता है, 01/2024 आपका RPSI का, 02/2024 जिसमें टेक्नीशियन का, CN 3/2024 JEE CMA एंड मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर, ठीक है। तो इतने सारे आपके भर्ती के लिए यहाँ पे जो टेंटेटिव एग्जाम शेड्यूल है CEN के माध्यम से यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो अगर आप देखें यहाँ पे फर्स्ट नंबर आप देखें यहाँ पे तो लिखा है कि फर्दर टू द नोटिस डेट, मतलब यहाँ पे जो भी आपके जो नोटिस दिया गया था यहाँ पे फर्दर टू द नोटिस डेटेड 24/10/2024 द टेंटेटिव एग्जाम शेड्यूल फॉर द CEN वाइज प्रपोज डेट एंड RS अंडर, मतलब यहाँ पे CEN वाइज आपको टेंटेटिव एग्जाम दिया गया जो नोटिस आपको 24/10/2024 में जारी किया गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सीरियल वाइज है, CEN है, पोस्ट है और सीबीटी एग्जाम डेट है, जिसमें सबसे पहले आपको CEN 02/2024 का जिसमें LP पोस्ट नंबर आपका जो आती है इसलिए कि 25/11/2024, 26/11/2024, 27/11/2024, 28 से लेकर 29, मतलब 25 से 29/11/2024 तक ये आपका ALP का एग्ज़ाम होने वाला है, CBT एग्ज़ाम यहाँ पे डेट, ठीक है। इसके बाद से CEN देखिए, CEN RPF का आपका CEN 01/2024 जिसमें आपके प्रेसाइज पोस्ट है और ये 2/12 मतलब 2 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर के बीच आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप डेट देख लीजिए, जो भी आपके यहाँ पे वैकेंसी का है, जो भी आपके पोस्ट हैं उसके रिगार्डिंग आपको एग्ज़ाम का डेट, CBT एग्ज़ाम का डेट ये होने वाला है, ठीक है। CEN 02/2024 जिसमें टेक्नीशियन का है ये आपको 18 से लेकर 29 तारीख तक, ठीक है, ये 18 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक ये होने वाले हैं, ठीक है। आप देखिए 18, 20, 23, 24, 26, 28 और 29, ठीक है, इतने आपके डेट पर एग्ज़ाम होंगे, ये टेंटेटिव है, ठीक है। हो सकता है इसमें चेंज भी हो जाए लेकिन आपको मान के चलना है कि यही आपको इधर उधर आपको होगा तो महीने के कुछ दिन या महीने इधर उधर कर सकता है, ठीक है। 3/2024 में आपको JEE अदर जितने भी आपका मेटलर्जिकल आता है ये आपको 13/12 और 16/12 को होगा एंड 17/12 को होगा CBT 1, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी बोली गई है, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक पूरी क्लियर तरीके समझ में आया होगा। इसके बाद भी कोई भी डाउट है तो ज़रूर आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। अब इसके बाद से देखिए कुछ जो भी इन्फॉर्मेशन होते हैं, डेट्स फॉर द अदर CEN विल बी अनाउंस इन ड्यू कोर्सेज, ठीक है। तो कोर्सेज के अनुसार जो भी आपके डेट है वो आपको अनाउंस कर दिया गया है यहाँ पे। दूसरा देखिए कि द लिंक फॉर व्यूइंग एग्जाम सिटी एंड डेट, जो कि हर एक नोटिस में आपको दिया जाता है कि 10 दिन पहले आपको यहाँ पर दिया जाएगा, 10 डे प्रियर टू द एग्जाम डेट रेस्पेक्टली CEN द ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। तो सिटी एग्जाम सिटी एंड डेट आपको जो है 10 दिन पहले यहाँ पे दे दिया जाएगा। दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ई का लेटर जो भी आपके होते हैं ये 4 दिन पहले यहाँ पे आप डाउनलोड कर पाएंगे, लिंक जो भी आपके इंटीमेशन लिंक जो होता है ये आपको यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, एग्जाम सिटी डेट इंटीमेशन, ठीक है, 4 दिन पहले। उसके बाद इसमें आधार लिंक, बायोमेट्रिक आपके जो भी होते हैं, ठीक है, तो ये सब सारा चीज़ इसमें आपको बोला है क्योंकि हर एक नोटिस में आपको दिया जाता है। उसके बाद कैंडिडेट आर एडवाइस प्रिफर टू द ऑफिशियल वेबसाइट, मतलब इसमें आदेश दिया जाता है, एडवाइस दिया जाता है कि जो भी आपके स्टूडेंट है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करे, उसमें भी जो भी आपके रेलवे की तरफ से नोटिस दिया जा रहा है, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है उसी को फॉलो यहाँ पे करिए 5वें में। उसके बाद इसमें सावधान रहने की बात कर रही है, ठीक है, 6वें नंबर में, कि आपको जो है कहीं इधर उधर मिसलीड नहीं होना है, आपको जो है रेलवे की तरफ से जो भी एग्ज़ाम कराया जाता है, जो भी पैटर्न है, जो भी तरीका है उसी को फॉलो करना है, ठीक है। तो इसको हिसाब से आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। इसके बाद से अगर आप देखें यहाँ पर तो आपको ये 6ठा नंबर हम लोगों ने देखे यहाँ पे, ठीक है,
छठा नंबर हम देख लिए। अब देखिए यहाँ पे अब कुछ नहीं है, यहाँ पे एक मतलब एक तारीख को ये आपका डे यहाँ पे नोटिस था जो कि आज हम देख रहे हैं, और यहाँ पे देखिए 6% रेलवे रिक्रूटमेंट पर नीचे आपका है, ठीक है। तो यही सब आपका था यहाँ पे। उम्मीद करते हैं आपको ये नोटिस जो है यहाँ पे अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो। चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। इसी तरह से जो भी आपके यहाँ पे नोटिस आएंगे उसके माध्यम से हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। और भी कोई अगर आप डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ या बता जरूर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक थैंक यू सो मच।